ए न्यूक्लियर, क्या यार परेशान मत करना, दिखता नहीं है क्या मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ? अबे ये तो पता मेरे को पिंजरे में क्यों डाला? अच्छा वो मैंने वोट करके पूछा तो अपने न्यूक्लियस को तेरे को पिंजरे में डालना चाहिए कि नहीं? तो उनने क्या बोला? कब? उनने तो नो बोला था। अगर उनने नो बोला तो फिर मेरे को क्यों डाला तूने? अरे वो क्या बोलते, उनमें से 75% लोगों ने नो बोला था और 25% लोगों ने यस बोला था, तो तेरा 25% शरीर केज के अंदर है और 75% बाहर है। सिंपल। क्या बात है, न्यूक्लियर सही खेल गए। अबे ये क्या स्कैम है? अच्छा तुम सुबह सुबह स्ट्रेचिंग क्यों कर रहे हो? वैसे तो तुम कभी भी नहीं करते ना। काफी टाइम हो गया है और हमने चोरी नहीं करी तो अंदर से थोड़ी खुजली हो रही है और बैंक अकाउंट भी थोड़ा खाली हो गया है। तुझे तो पता ही है कि मैं प्रोफेशनल चोर हूँ, चोरी करने से पहले थोड़ा स्ट्रेचिंग करना चाहिए यार, नहीं तो मसल में थोड़ा क्रैम्प आ जाता है। अच्छा आज तुम क्या चीज चुराने वाले हो? मेरे खबरियों ने मेरे को खबर दी है कि लॉस सैंटोस में बड़ी खतरनाक बुगाटी आ गई है। तुम्हें तो पता ही होगा कि बुगाटी की प्राइस कितनी ज्यादा होती है। कितनी होती है? जो तू बिस्कुट खाता है ना वैसे 10,000 करोड़ बिस्कुट आ जाएंगे। अरे भाई तो बहुत महंगी है। हाँ मैं जानता हूँ, तो ठीक है मैं चलता हूँ और तुम लोग देखते रहना। लेकिन पहले मेरे को तो निकालना यहाँ से। अरे यार तू कितना रोता है, चल ठीक है आज तूने हगा नहीं ना तो मैं तेरे को निकाल देता हूँ। थैंक यू। हंसले हंसले वैसे भी तेरी तारीफ ही थी। मैं जानता हूँ। अच्छा तो ठीक है गाइस, हम लोग चलते और गाड़ी चढ़ाते हैं बिल्कुल स्टाइल में जाने का रे, एकदम न्यूक्लियर सेल बोलते। अबे तेरे को टेलीपोर्ट करना आता है? बॉब तू जानता नहीं है यार, तेरे मालिक को बहुत कुछ करना आता है। ये तुमने गन क्यों निकाल दी? चुप, इस वाली गाड़ी को चुराने के लिए हम लोग को साइलेंस पिस्टल की जरूरत पड़ेगी। हम लोग जॉन विक बनने वाले हैं आज, क्योंकि गाइस ये वाली गाड़ी हम लोग एक माफिया बॉस से चुराने वाले हैं। अरे तेरे को भी से डर नहीं लगता क्या? मेरे हाथ में इतना बड़ा पिस्टल है, कोई इज्जत ही नहीं है भाई। क्या यार कोई अपन से डरता ही नहीं है? अगली बार उनको अपनी सड़ी से शक्ल दिखा दियो डर जाएंगे। ए टट्टी बॉब चुप बैठ बे। ओके तो गाइस हम लोग को आराम आराम से जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और आप लोग को तो पता ही होगा कि मैं कितना बड़ा प्रोफेशनल हिटमैन हूं, तो मैं इनको सिर्फ हेडशॉट देने वाला हूं। वो तो हेडशॉट होता है ना? हाँ मेरा मतलब वही हेडशॉट यार, कभी कभी जबान फिसल जाती है, सेंटर फ्रूट खा लिया था सुबह। ये पार्ट से हेडशॉट, तेरे को भी पार्ट से। क्या बात है रे, दोनों को हेडशॉट है, तीसरा हेडशॉट। आये वाओ, सारे हेडशॉट ही जा रहे हैं, तुम हैक कर रहे हो क्या? नहीं जॉब, इसको बोलते हैं स्किल्स। ये एक और बंदा था बे, कहां गायब हो गया? रुको गाइस इसको भी देंगे पार्ट से। हम लोग एक बार मेरे को दिख जा बस। ये रहा ये तेरी। अरे यार ये क्या हो गया, क्या बटन दबा रहा हूं मैं? रुक तेरे को छोड़ने वाला। ये ओए सही में लग गया बे, क्या तुक्का था। और ये बाउंड्री मेरे बुलेट से क्यों नहीं टूट रही यार? इनके बुलेट से ही टूट रही है, मेरे पास प्रोफेशनल वेपन्स है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं गाइस, हम लोग को बाउंड्री को छोड़ के आगे जाना पड़ेगा। खुल जा सिम सिम। ये खुल क्यों नहीं रहा अबे? ये क्या दरवाजा खोलो ना। क्या यार कोई इज्जत ही नहीं, कितनी पोलाइटली पूछा था मैंने यार दरवाजा। यार क्या हो गया? गाड़ी लेके डोर को ठोक देना। अबे हाँ यार मैं वही करने वाला था, मेरे को मत पता, मेरे को सब पता है, आई एम अ प्रोफेशनल प्रो ब्रो। ऑलराइट गेट पे तेरे को नहीं छोड़ने वाला। ये ले है, गेट को तो कुछ हुआ ही नहीं। बहुत पावरफुल गेट बनाया यार इन लोगों ने, मानना पड़ेगा। बिल्कुल हल्क की तरह। हाँ तूने सही बोला, बिल्कुल हल्क की तरह। लेकिन एक काम करते गए, सबसे पहले इनकी जो सडियल सी गाड़ी है ना इनको उड़ा देते, ये लोग मेरे को रोक रहे थे ना। और ये देखो गाइस यहाँ पर टैंक है, और मैं इस टैंक को कैसे जाने दे सकता हूँ यार, मेरे पर गोली मारे हुए सबमरीन। रुको बेटा सबमरीन को भी उड़ाऊंगा और तेर को भी। ये लो मेरा मिसाइल खा लो, कैसा लगा आपको? अरे भाई आगे तो और भी लोग है, इनको उड़ाने में कितना मजा आएगा, लेट्स गो। हेलो अंकल आप ऊपर से गोली क्यों मार रहे हो? ये लो मेरा मिसाइल खा लो। ये चिंता मत करो आपको भी मिलेगा, और आपको भी, सबको मिलने वाला है। इनको उड़ा के कितना मजा आ रहा है। और गाइस ये देखो कितनी खतरनाक गाड़ी है, यही तो नहीं वो? लगता है हम लोग को अपनी पहली बुगाटी मिल गई। और आप क्या देख रहे हो, मेरी गाड़ी है वो निकला ऐसे। कितनी कमाल की लग रही है यार, आप लोग इसका पेंट देख रहे हो यार, ये मेरे चश्मे की वजह से थोड़ा येलो टिंट आ गया। लेकिन और यार इसको पीछे से तो क्या ही डिजाइन है गाइस, मेरे को लगता है ये मेरी फेवरेट कार बनने वाली है। आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर बताओ कि ये कैसी लगी यार, अभी तो हम लोग और भी चुड़ाने वाले हैं। ये लेट्स गो। हाँ अभी तो और भी खतरनाक गाड़ी आने वाली है। यस चॉप यू आर राइट। और क्या बात है यार, ये गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा मस्त चल रही है। ये सामने डियर की बच्ची देखने में थोड़ी जेन जैसी लग रही है यार, क्या भाग के जा रही है ये। एनिमल का ओलंपिक्स होगा तो पक्का वही जीतने वाली है। लेकिन ये बताओ तुम जेल के पास क्यों आए? अभी पता तो स्टंट मारने दिया, एक तो परफेक्ट लैंडिंग करेंगे। आई मीन ठीक है परफेक्ट लैंडिंग नहीं हुई क्योंकि चौक जो अगली गाड़ी है वो जेल के अंदर है। और यार अंदर कैसे गुस्से में
मैं कैसे घुसू मेरे को। ओए वो देख पुलिस वाली गाड़ी। गाइस हम लोग चुपचाप से पुलिस अंकल के पीछे जाएंगे, उसको टेजर मारेंगे और उसकी गाड़ी लेके अंदर घुस जाएंगे। स्नीकी स्नीकी चुपचाप से बिना फुट स्टेप दिए ये रेस का टकला दिखने ही वाला है। कहाँ भाग के जा रहे हैं डरपोक पुलिस वाले। एपिक फेल। देखो कभी कभी प्रो लोगों से भी गलती हो जाती है। लेकिन आपको क्या लगा गाइस कि वेरी न्यूक्लियर हार मानेगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये साइकिल वाले तू कहाँ से आ गया? निकल यहाँ से। आप लोग को दिखता नहीं है कि मैं अपने न्यूक्लियस से बात कर रहा हूँ यार, क्या है? एंड गाइस आई नो आप लोग क्या सोच रहे हो कि मैं वहाँ तक कैसे जाऊँगा, और वो बहुत सिंपल है यार। आप लोग को पता है ना मैं कितना बड़ा प्रो हूँ। ये देखो आराम आराम से हम लोग को बूस्ट मारते मारते ऐसे हवा में उड़ने का है, और थोड़ा पीछे थोड़ा आगे थोड़ा दाएं बाएं जाने का है, फिर यहाँ से छलांग मारने का है, और थोड़ा उधर इधर जाएंगे। लेकिन हम लोग अपना पैराशूट खोल देंगे। बच गए यार, अगर पैराशूट नहीं गए। बच गए बच गए। ओए मैं जेल के अंदर तो नहीं गिर गया? ये क्या है, ये दरवाजे खुलते कि नहीं? मेरी कोई मदद करो प्लीज। अच्छा खुलते है। बेवकूफ तुझसे तो कम वाला ही हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा ये घंटियाँ क्यों बज रही है। इन लोग को पता चल गया क्या कि मैं यहाँ पर हूँ? अब आसमान से एक नीला आदमी टपकेगा तो ऐसे ही तो होगा। हाँ चौक तू तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम लोग को आराम आराम से जाना पड़े। पुलिस ऑफिसर आराम से मैं यही पर काम करता हूँ। हेलो ऑफिसर कैसे हो? सब बढ़िया, बीवी बच्चे है? मेरे भी एकदम बढ़िया। ठीक है भाई। नमूनों को देखो कैसे डर के भाग रहे, एक अलार्म बजता है सब भागने लग जाते हैं बेवकूफ कहीं के। लेकिन गाइस प्रॉब्लम ये कि इतना बड़ा जेल है और इतनी पित्ती सी गाड़ी में कैसे ढूंढूंगा यार? ऐसा तो हो नहीं सकता कि अचानक से मेरे मुंह के सामने प्रकट हो जाएगी। और ये मेरे मुंह के सामने प्रकट हो गई? ये मैं मेरी आंखें सही देख रही है ना? हाँ हमको भी दिख रही है। और यार मैं क्या मस्त अंदर पार जा रहा हूँ इस गाड़ी के। ये देखो ये अबे प्रोफेशनल चोर, गाड़ी चुराना है खेलना नहीं। अच्छा बाबा ठीक है यार, क्यों दिल पे ले रहे हो? गाइस आप लोग देख रहे हो कितनी खतरनाक बुगाटी है ये यार, इस पे तो पुलिस वाला सिंबल भी लगा है। लेट्स गो। थोड़ा सा डैमेज हो गया लेकिन कोई नहीं यार, हम लोग ठीक करवा देंगे। लेकिन मानना पड़ेगा कितनी कमाल की दिखती। और सर आप यार मेरी गाड़ी के सामने क्यों आ रहे हो यार? मैं चला रहा हूँ ना अपनी गाड़ी, आप क्यों आ रहे हो? मेरी कोई गलती नहीं है ठीक है, मैं अपनी गाड़ी बिल्कुल ठीक चला रहा हूँ, आप लोग मेरी गाड़ी के सामने आ रहे हो यार। हटू ना कैसे की बोलू मैं, इन लोग को समझ ही नहीं आता बेवकूफ काय के। ओके तो गाइस जो हमारी तीसरी गाड़ी है उसको यहीं पर कहीं होना चाहिए यार, बहुत तेज लगी पंपे। हवा में चिड़िया की तरह उड़ने के लिए किसने बोला था तेरे को? वो मैं हवा से घर स्काउट कर रहा था ना, हवा से काफी इजी होता है और मेरे को मिल गया आ गई है। हेलो मैडम वो सब सुबह सुबह आप योगा जॉगिंग कर रही हो? यार गलती से लग गया, देखो हो जाता है कभी कभी, मेरे हाथों में पता नहीं क्या है यार, वापस से हो गया। अबे यहाँ पर और भी है, ये बीच वाले कपड़े क्यों पहन रखे इन लोगों ने? पार्टी वार्टी चल रही है इस घर पे? सोच ले पकड़ा जाएगा तो जिस जेल से गाड़ी चुराई थी उसी जेल पे चले आएगा। अरे डरते है क्या? मैं तुम लोग को अभी दिखाता हूँ कि एक प्रोफेशनल चोर कैसे बिना आवाज करे गाड़ी चुराता है। ओके तो गाइस अब वो घड़ी आ गई है जब हमें चुपचाप यहाँ इस घर के अंदर जाना पड़ेगा। पता नहीं इस घर के अंदर कौन रहता होगा इसमें। अरे भाई सब पूरा का पूरा जिम है रे, कौन है? बॉडी बिल्डर तो नहीं रहता यहाँ पर? ये देखो सोने का कैसेट, और ये माइक टाइसन जैसा दिख रहा है बे, बॉक्सर तो नहीं है कोई इस घर वाला? गाइस जल्दी से गाड़ी छुड़ा के भागना पड़ेगा यार, डर लग रहा है मेरे को। बाथरूम के अंदर तो नहीं है ना? वो नहीं है। न्यूक्लियर एक बार ऊपर जाके देखो। हाँ ऊपर चलेंगे, टेंशन मत ले। और ओए क्या बात है, माइकल डी सेंटा अपने माइकल भाव का प्रोड्यूस मूवी, जो भी इस घर का मालिक है उसका मूवीज में कितना गंदा टेस्ट है यार। आई एम प्रीटी श्योर कि मैं सही घर पे आया हूँ, उन्होंने बोला था यहाँ पर गाड़ी है। क्या बहुत है, ये तो क्लासिक बुगाटी है गाइस, आप लोग देख रहे हो, ये देखो बुगाटी का सिंबल भी है यार। ये तो काफी ज्यादा रेयर गाड़ी है, इसकी कीमत तो बहुत ही ज्यादा होने वाली है। बिडू आ जाओ भागते, इस गाड़ी से लॉस सैंटोस वालों को उड़ाने में कितना मजा आएगा। आज सबको हवा की सैर कराते हैं। फुल स्पीड तेरी ऐसी थी तैसी, पट से हेडशॉट यार। सही में कितना लकी बंदा है ये, कहां भाग के जा रहे हैं? मैं तेरे को छोड़ने नहीं वाला, मेरे को मेरी गाड़ी का हिट टेस्ट करना है बड़ी सुपर कार। यार ये तो सही में पावरफुल है। न्यूक्लियर टाइम पास क्यों कर रही हो? अभी तो और भी गाड़ी लेनी है। हाँ चौप टेंशन मत ले यार, देखो सलमान खान पब्लिक स्कूल में हम लोग को पहले यही सिखाया है कि पहले गाड़ी का हिट टेस्ट करना होता है।
ये तुम किसकी पार्टी में आ गए? पता नहीं यार, मेरे खबरी ने तो बोला था कि यही पर नेक्स्ट गाड़ी है। मेरे लिए केक लेकर आ जाइयो। जिंदगी में तेरे से एक ही मोटिव है ना, और वो है खाना खाना। लॉस सैंटोस वाले ड्राइवर कितने अंधे हैं यार, इतना बड़ा आदमी नहीं दिखता क्या? उसमें तुम्हारी गलती थी। अरे जब ये देख जादुई पटाखे, भाई कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है, मेरे को तो कुछ हो ही नहीं रहा। और ये देख लेजर लाइट्स, अरे वाह भाई, किसकी पार्टी हो रही है ये? अरे सिम चाचा कैसे हो, लगता है कि इन्हें अंदर पार्टी में नहीं जाने देख रहे। देखो कैसे झगड़ा कर रहे बेवकूफ। क्या क्या लॉस सैंटोस वालों को कितना भी बोल दो यार, उन पे कुछ असर ही नहीं पड़ता। अंधे कहीं के दिखता नहीं है कि इतने बड़े बड़े कोने यहाँ पर चमक रहे गधे। उसकी किस्मत अच्छी है कि मैं मिशन पे हूँ, वरना मैं उसको रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देता। न्यूक्लियर काम डाउन। हाँ जब तो बिल्कुल सही बोल रहे, प्रोफेशनल चोर को हमेशा काम होना चाहिए। यहाँ ऊपर से यार ये झाड़ियाँ बीच में आ रही है, किसकी पार्टी है? और आई थिंक मेरे को गाड़ी पे दिख के, रुको थोड़ा आगे की तरफ जाते हैं। और ये मैं डीजी के पास कैसे गिर गया, क्या क्या हो रहा है? हेलो मैडम, हाउ यू डूइंग? सबसे पहले इस डीजे की बैंड बजाती यो 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 कर रहे गधे कहीं के निकल गया से। और क्या बात है, जिमी की पार्टी चल रही है, अमांडा और ट्रेसी भी है, क्या हो रहा है? मेरे को आसपास कहीं माइकल नहीं दिख रहा, क्या ये हम लोग को पार्टी में कभी इनवाइट ही नहीं करते यार, कितने गंदे लोग हैं। लेकिन अब क्या करे, दोस्त के परिवार वाले इनको मैं मार तो नहीं सकता, कैसे निकालू इनकी गड्डी। अरे रुको गाइस, मेरे को एक मस्त आइडिया है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने टियर गैस खरीदे थे, इनके ऊपर टेस्ट कर देते हैं, रुलाएंगे इनको हम। ये लो जिमी बेटा, तुमने मेरे को पार्टी में नहीं बुलाया ना, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, फटेगा भी टियर गैस, फटना फटना। नीचे गिर के गधे का भी क्या ये उड़ क्यों रहे हैं सारे, जैसे क्रिकेटर टाई मारते वैसे ही मारा। सही बोला। और ये क्या गाड़ी है, बहुत ही ज्यादा तेज है ये गाड़ी, और इनके दरवाजे क्यों नहीं बंद हो रहे, मेरे सामने से ना मेरे को निकलने दो भाई, क्या हो रहा है ये। 6.5 hours later। अरे वो यार, आप लोग देख रहे हो यार, ये गाड़ी सही में कितनी कमाल की लग रही है, एक तरीके से थोड़ी थोड़ी मेरे को पोर्शे, मतलब पुरानी जो पोर्शे रहती है ना, वैसी लग रही है। तो अभी हम लोग चलते हैं और अपनी नेक्स्ट गाड़ी को लेते हैं, जो की है इस ट्रेन के अंदर। अब इसको कैसे रोकूं यार, ये इस ट्रेन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसी ट्रेन में है क्या? हाँ यार इसी ट्रेन में, अब तुम मेरे को मत कंफ्यूज करो। और ये क्या हो रहा है यार, गाड़ी पलटती, अगर मैं अभी हल्क होता ना तो एक मुक्का मारता पूरी ट्रेन रुक जाती है। और ये क्या है, गाड़ी की तो लुकड़ी बैंड ही पहुँचा दी, पीछे का बंपर भी देखो कैसे यार, ये क्या है कि कहाँ से आ जाते पहाड़। ए ट्रेन रुक जा, मेरे को तेरे में से गाड़ी लेनी है, कहाँ भाग के जा रही है बेशरम। देखो यार मेरे दिमाग में एकदम मस्त आइडिया आया, हम लोग एक काम करते, साइड में जो हिल्स है ना उसके ऊपर से स्टंट करेंगे और सीधा ट्रेन में जाके गिरेंगे। यार ये क्या है, बीच बीच में गड्ढे कहाँ से आ जाते हैं। और ये गाड़ी ट्रेन भी है भी या नहीं, ये क्या हो रहा है बे, स्कैम वैम तो नहीं हो रहा ना मेरे साथ। हेलो, अरे नहीं गाइस, ये देखो बुगाटी टीवो व्हाइट कलर की, कितनी कमाल की लग रही है, ये मेरी होने वाली है, लेट्स गो। यार पत्थर क्यों आ गया, तुम्हारी गाड़ी की तो बैन बच गई। तू तो बिल्कुल सही बोल रही है, तो एक साइड में मुड़ी नहीं रही। लेकिन गाइस हम लोग हार नहीं मानने वाले, हम लोग कैसे तैसे करके आगे जाने वाली है। हमें सिर्फ एक ही चांस मिलने वाला है गाइस, अगर हम इस वाले चांस को जाने देंगे तो ये गाड़ी हम लोग नहीं चुड़ा पाएंगे, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन यार आप लोग को तो पता ही होगा कि मैं कितना बड़ा प्रोफेशनल चोर हूँ, तो वी कैन डू दिस। ये पूरा खेल टाइमिंग के ऊपर होने वाला है, हम लोग को सही मूवमेंट में जंप बटन दबाना होगा। और क्या बात है, ये बल्ले बल्ले जीत गए, अब ये गाड़ी मेरी होने वाली है। यार ये क्या फिसल क्यों गया मैं, वैसे मेरे बम्प इतनी चोट लगी और मैं बार बार नीचे गिर रहा हूँ यार, व्हाट इज दिस हैपनिंग गाइस। रिप इंग्लिश, यू स्टूपिड डॉग शट डाउन। प्रॉब्लम ये कि हम लोग इस गाड़ी को बाहर कैसे निकालेंगे यार, बूस्ट मारने से भी कुछ नहीं हो रहा। ये ले यार, ये क्या हो गया, अरे गाड़ी उड़ गई और मैं भी उड़ गया, क्या हो रहा है ये, क्या हम इसके अंदर अभी भी जा सकते हैं? और ये गाड़ी हिल रही है, क्या मेरे के लिए ये बड़ी खतरनाक गाड़ी है यार, ये बार बार मैं क्यों गिर रहा हूँ। कैसे तैसे मैं इसको सड़क पे लेकर आ गया और रिपेयर भी कर दिया। और गाइस ये देखो, हम तो गोस्ट राइडर बन गए, अरे वाह क्या आग निकल रही है रे। और मेरे को सेमी यकीन नहीं हो रहा कि बुगाटी इतनी ज्यादा तेज होती है लेकिन इनकी हैंडलिंग उतनी ज्यादा औसम है। तो गाइस ये थी हमारी बुगाटी की कलेक्शन, और आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट गाड़ी हम लोग किसकी चुड़ाए, कौन सी कंपनी की चुड़ाए। और मेरे को ये भी जरूर बताना कि आप लोग को इन बुगाटीज में से सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी लगी। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, आजकल आप लोग करते नहीं हो। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।